हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूं इंस्ट्रूमेंट और डायग्राम रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट की क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, और जो आने की उम्मीद है, तो वही मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। उसके डायग्राम आप स्पेशली देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली यूज़ नहीं पूछते, डायरेक्ट डायग्राम देते हैं, फिर आपको उसका नाम बताना पड़ता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। यूज़ कभी नहीं पूछा आज तक, बाई चांस एक दो बार पूछा गया है, बाकी एम्स में जाता है यूज़ नहीं पूछते। इसके डायग्राम पूछते हैं, ये कौन सा डायग्राम है, ठीक है, तो इसका नाम पूछते हैं डायरेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, डोएन रिट्रैक्टर, ठीक है, ये यूज होता है रिट्रैक्टिंग ब्लेड के काम में। इसका डायग्राम अच्छे से आप देख लीजिए, इसका नाम अच्छे से देख लीजिए, डोएन रिट्रैक्टर। मैं तो बोलता हूँ कि हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर आपको जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो डोएन रिट्रैक्टर आपके सामने है डायग्राम इसका, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, डेवर रिट्रैक्टर, ठीक है, ये भी देखिए, डेवर रिट्रैक्टर मैन्युअली आता है, ठीक है, तो इसका भी डायग्राम अच्छे से आप देख सकते हो। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यानी कि ये यूज़ क्या था, यूज़ टू रिट्रैक्ट डीप अब्डोमिनल और चेस्ट इंसीजन। जब चेस्ट इंसीजन करते हैं और डीप अब्डोमिनल इंसीजन करते हैं, देन ये यूज़ में आता है। अवेलेबल इन वेरियस विड्थ, यानी कि वेरियस विड्थ में, यानी कि अलग अलग साइज के अंदर ये आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है रिचर्डसन रिट्रैक्टर, ये भी बहुत बार पूछा गया है, जहाँ तक मैंने देखा है कि 5-6 बार ही पूछा गया है, ठीक है। रिचर्डसन रिट्रैक्टर, इसका डायग्राम अच्छे से आप देख सकते हो। डायग्राम मेनली आपको डायग्राम ही याद रखना है, ठीक है, जैसे कि रिचर्डसन रिट्रैक्टर, ठीक है। ये रिचर्डसन रिट्रैक्टर मैन्युअली होता है, यूज टू रिट्रैक्ट डीप अब्डोमिनल चेस्ट इंसिजन। ये भी चेस्ट इंसिजन जब करते हैं और डीप अब्डोमिनल इंसिजन करते हैं तो रिट्रैक्टर के काम में आता है, ठीक है। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, ये नेक्स्ट है डायग्राम, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, ठीक है। तो यही मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इस वीडियो के अंदर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम देखो और इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, तो ये भी है, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर मैन्युअली होता है, यूज टू रिट्रैक्ट सोलो एंड सुपरफिशियल इंसिजन। ये सुपरफिशियल इंसिजन करते हैं, जब सोलो करवाते हैं तो फिर ये यूज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गोएल्ट रिट्रैक्टर, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, गोएल्ट रिट्रैक्टर, ठीक है। इसका भी अगर देखो तो गोएल्ट रिट्रैक्टर मैन्युअली होता है, यूज टू रिट्रैक्ट सोलो एंड सुपरफिशियल इंसिजन में काम भी लेते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं पूछते। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, डायग्राम दे देते हैं फिर इसका नेम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा था, गोएल्ट रिट्रैक्टर। चलिए नेक्स्ट, रिबन मैन्युअल रिट्रैक्टर, ठीक है। तो इसका भी आराम से डायग्राम आप देख सकते हो, ये भी अगर मैं बात करूँ तो मैन्युअली होता है और डीप इंसिजन में काम लेता है। देखिए यूज़ इसके लगभग सेम होंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट यूज़ में डॉक्टर वगैरह यूज़ में लेते हैं, तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है यूज़ में, ठीक है, बाकी आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक है। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काम होता है कि आप डायग्राम याद रख लो, ठीक है। वेट लर्नर रिट्रैक्टर, ये देख सकते हो आप इसका डायग्राम आराम से, सुपरफिशियली मैंने डार्क करके बनाया है डायग्राम, इसका अच्छे से आप देख सकते हो। मेनली फोकस मैंने डायग्राम पे किया है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो वेट लर्नर डायग्राम यह है रिट्रैक्टर का, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, सोलो इंसिजन में ही काम लेते हैं, सेल्फ स्ट्रेटिंग, यानी कि जो आगे बना हुआ है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए गैल्पी रिट्रैक्टर, ठीक है, इसमें भी मैंने फोकस किया है, जो आगे आगे गैल्पी रिट्रैक्टर, इसलिए गैल्पी रिट्रैक्टर बोलते हैं उसको, रिट्रैक्टर तो ये है ही, ठीक है। आगे जो कर्व बना हुआ है उसको गैल्पी बोलते हैं, गैल्पी रिट्रैक्टर, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सोलो इंसिजन यूज इनके सेम रहेंगे, बट इनकी साइज वगैरह डिफरेंस रहेगी, ठीक है। बाल फॉर विद ब्लेडर ब्लेड रिट्रैक्टर, ठीक है, इसको भी अच्छे से आप देखोगे तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं, यूज टू रिट्रैक्ट एज
एज इज इन डीप अबडोमिनल प्रोसीजर, जब ये डीप अबडोमिनल प्रोसीजर करते हैं देन यू यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हो, ये भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट आएंगे कटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट, इनके बारे में बार बार पूछा गया है। नाइफ हैंडल एंड ब्लेड, ये ब्लेड के बारे में पूछा जाता है कि ब्लेड कौन कौन से टाइप की होती है। देखिए हैंडल साइज 7, हैंडल साइज 3, हैंडल साइज 4, ऐसे साइज में पूछ लेते हैं। तो ये ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको, ब्लेड सुपरफिशियली याद रखना है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। स्ट्रेट मायोसीजर यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट दिया गया है डायग्राम से, मेनली इसके नाम यानी कि बनते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट मायोसीजर्स इसको बोलते हैं। टू कट द सूचर एंड सप्लाई, ये तो बहुत बार पूछा गया है। टू कट यानी कि सूचर को कट किस कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, स्ट्रेट मायोसीजर से, ठीक है। चलिए कर्व्ड मायोसीजर, कर्व्ड, ठीक है, यानी कि आगे से देखो कर्व्ड बना हुआ है इसके, इसलिए इसका नाम बन गया है कर्व्ड मायोसीजर्स, ठीक है। ये अवेलेबल इन वेरियस साइज के अंदर अवेलेबल होता है, मसल टिश्यू, ब्रेस्ट टू कट हैवी टिश्यू, यानी कि हैवी को टिश्यू होता है तो फेसियल के अंदर, मसल्स के अंदर, यूटरस के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर अगर कोई टिश्यू होता है देन उसको कट में यूज में लेते हैं, ठीक है। मेडजेनबम सीजर यानी कि इसका देख लेते हैं, इसका डायग्राम अच्छे से आप देख लीजिए। मेडजेनबम सीजर बोलते हैं इसको, टू कट द डेलिकेट टिश्यू, ठीक है। हैव लॉन्गर हैंडल टू ब्लेड रेशियो देन मायो, यानी कि इसका कर्व देखिए, इसका कर्व देखिए थोड़ा छोटा है, ठीक है। जो सेकंड कर्व है जहाँ से जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर वाला कर्व देखिए थोड़ा छोटा है इसके अंदर, क्या थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। क्लैंपिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है, इसके अंदर आता है कर्व मॉस्किटो हेमोस्टेट, ठीक है। ये एक चेंज आया है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं, डायग्राम अच्छे से आप देख लेना, कर्व्ड मॉस्किटो हेमोस्टेट, ठीक है। तो इसका छोटा सा डायग्राम है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये अंदर से जॉइंट हो जाता है बिल्कुल, इसलिए इसको कर्व्ड मॉस्किटो बोलते हैं, ठीक है। केली हेमोस्टेट, केली हेमोस्टेट ये भी बहुत बार पूछा गया, देखिए इसके भी अंदर का, जैसे कि मैंने हर टॉपिक में बोला है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं उनसे उनका नाम बनता है, तो आप ज़्यादातर ज़्यादा डीपली मत जाइए, केवल इनका डायग्राम याद रखने की कोशिश कीजिए। केली हेमोस्टेट, ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए, जॉइंट पार्शियल सेरेटेड कर्व्ड और स्ट्रेट, ठीक है। हिमोस्टेट मॉस्किटो एंड केली, तीनों को एक साथ दे दिया मैंने, तीनों को एक साथ आप देख सकते हो, तो इस देखिए थोड़ा सा बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर सबसे छोटा है, तो केली बोल सकते हैं इसलिए छोटा, और मॉस्किटो साइज का है, मॉस्किटो साइज का है, होमोस्टेट यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग है। चलिए बर्लिशियर, बर्लिशियर देख लिए इसका, जो ये देखिए जहाँ से हम इसको अटैच करते हैं वहाँ से ये फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा डायग्राम है, ये जरूर आप देख लें, अच्छे से इसको देख सकते हैं। मैं वीडियो को आराम से रोक रोक के डायग्राम सारे दिखा रहा हूँ आपको, जो आज तक पूछे गए हैं, वो आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। बर्लिशियर बोलते हैं, ये भी एक तरह का सीजर वगैरह है, ठीक है। राइट एंगल क्लैंप, राइट एंगल क्लैंप देखिए बिल्कुल आगे से जाके कर्व बना हुआ है, बिल्कुल सही छो रहा है, ठीक है। राइट एंगल का तो राइट साइड में बिल्कुल टर्न ही है, ठीक है। तो इसके यूज देख लेते हैं, ठीक है। इसको अदर नेम इसको मिक्सर भी बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। ए राइट एंगल इज यूज टू क्लैंप हार्ड टू रीच वेसल्स एंड टू प्लेस सूचर बिहाइंड और अराउंड वेसल्स, यानी कि वेसल्स के बिहाइंड और अराउंड ये क्या करते हैं, यानी कि क्लैंप करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हीमोक्लिप्स अप्लाई विथ हीमोक्लिप्स, ये है क्लिप्स, यानी कि क्लिप्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि इसमें क्लिप्स यूज में लेते हैं, हीमोक्लिप्स बोलते हैं, अप्लाई विथ हीमोक्लिप्स, ठीक है। तो ये क्लिप्स वगैरह है, तो क्लिप्स का डायग्राम अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि क्लिप्स बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट जो डायग्राम आ रहे हैं, ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जो होल्ड करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एलिस टिश्यूज फोर्सेप्स, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। इसका डायग्राम अच्छे से देख, आगे से बिल्कुल स्ट्रेच है, कोई वेसल्स को पकड़ने में यूज देख लेते हैं। एलिस इज यूज टू ग्रैप टिश्यू, यानी ग्रैप कर लेता है, यानी कि जकड़ लेता है कोई भी टिश्यू को। अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम, ठीक है, अवेलेबल होता है ये, अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज में अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए बैबकॉक्स फोर्सेप्स, ठीक है, बैबकॉक्स फोर्सेप्स भी बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि आपको पता है। आगे से बिल्कुल देखिए, बिल्कुल फोल्डिंग रोल में बन के आ रहा है, ठीक है। तो यूज टू ग्रैप्स डेलिकेट टिश्यू, टिश्यू को पकड़ने में, जैसे कि कौन से टिश्यू को, इंटेस्टाइन, फिलोपियन ट्यूब, ओवरी। अवेलेबल शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज में अवेलेबल होता है। कोचर फोर्सेप्स, ये तो बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 8-9 बार पूछा गया है कोचर फोर्सेप्स, ठीक है। तो देख लीजिए, कोचर फोर्सेप्स यूज टू ग्रैप्स हैवी टिश्यूज, मे ऑल्सो बी यूज अ क्लैंप, द जॉ मे बी स्ट्रेट और कर्व, अदर नेम ओजिस्नर, यानी कि अदर नेम भी इसका, आप तो याद रखिए कल कोचर फोर्सेप्स, ठीक है। फॉयस्टर स्पंज फोर्सेप्स, ये भी बहुत बार पूछे गए, आगे से देखो बिल्कुल रोल है, ठीक है। यूज ग्रैप स्पंज, स्पंज को पकड़ने में, जो स्पंज वगैरह हम यूज में लेते हैं, स्पंज वगैरह को पकड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है वैक्यूस टॉवल स्लिप क्लिप्स, ठीक है, ये टॉवल की क्लिप्स होती है, टॉवल वगैरह को पकड़ने में काम में लेते हैं। रूसियन टिश्यू फोर्सेप्स, ये रूसियन टिश्यू फोर्सेप्स है, ठीक है, इसका काम क्या है, आज यूज टू ग्रैप टिश्यू, टिश्यू को पकड़ने में। तो मेरा डायग्राम यही है कि आप थोड़ा डायग्राम पे फोकस करो। एडसन्स पिक अप फोर्सेप्स, ठीक है, एडसन पिक फोर्सेप्स किस में का यूज में लेते हैं, एन आइदर स्मूथ भी होता ही है, ठीक है, टू यूज ग्रैप्स डेगे टिश्यू, ठीक है। चलिए ड्रेसिंग फोर्सेप्स, ये ड्रेसिंग को पकड़ने के काम में आता है, देख लीजिए डायग्राम अच्छे से आप देख सकते हो, ड्रेसिंग फोर्सेप्स होता है, ठीक है, लॉन्ग एंड स्मूथ पिक्स अप, ठीक है। डी बैक फोर्सेप्स, यानी कि टिप्स डिटेल, यानी कि ये किस काम में आता है, यूज टू पिक अप डेलिकेटेड टिश्यू, ठीक है, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करें। थंब फोर्सेप्स, ये हो थंब फोर्सेप्स, ठीक है, देखिए आगे से बिल्कुल स्ट्रेच हो रहा है, बिल्कुल लाइटली स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। आई यूज टू ग्रेप्स थो टिश्यू, टफ टिश्यू, ठीक है, यानी कि जो फेस या ब्रेस्ट के टिश्यू होते हैं इनको पकड़ने में काम में आता है। चलिए आज का लास्ट है मायोहेगर नीडल होल्डर, ठीक है, ये देखिए नीडल होल्डर होता है, टिप डिटेल होती है इसकी, यूज टू होल्ड नीडल व्हेन सूचरिंग, जब सूचरिंग करते हैं तो हम क्या नीडल को पकड़ने में इसको यूज में लेते हैं। तो ये सारे डायग्राम थे, और भी आगे में इंपॉर्टेंट, जैसे कि बेड शोर के वे, जो पेल्विस के डायमीटर वगैरह उनके हुए, तो फिटल स्कल के वे, ऐसे सारे डायग्राम जो आज तक पूछे गए हैं, तो जरूर मैं सारे बताऊंगा आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। खुश रहो, खुश रखो, बाय।